सरपंच महोदय, जनपद सदस्य महोदय, जनपद अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद के सदस्य महोदय, सभी हमारे उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज राजगढ़ जिले में पूरे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से सभी हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, हम आपके आभारी हैं। भाजपा की सरकार 5 साल से काम कर रही है और केवल झूठ 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 के अलावा कुछ नहीं किया। 15 लाख रुपए ले आएंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, काला धन आ जाएगा, आतंकवाद समाप्त कर देंगे, हालात बदल देंगे, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन एक भी बात सही नहीं निकली। भैया 15 लाख हम कवरेज नहीं करेंगे, तो 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए नहीं। काला धन, विदेशों का काला धन आने के बजाय हमारे यहां से धन चला गया बाहर। इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आधार कार्ड का विरोध किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी का श्रेय लेते हैं। जीएसटी नहीं लगाने का वादा किया, जीएसटी का विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उसका श्रेय लिया। ऐसे तुगलकी निर्णय लिए जिसकी वजह से पूरे देश के गरीब और मजदूर परेशान हो गए। नोटबंदी क्यों की गई, हमें बताया 4 कारणों से की गई। नरेंद्र मोदी का वो भाषण नवंबर का 2016 का, हमने नोटबंदी इसलिए की, उन्होंने कहा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन नहीं रहेगा और नकली नोट नहीं रहेंगे। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना काला धन आया, ना आतंकवाद समाप्त हुआ और ना नकली नोट समाप्त हुए। उल्टा जितनी नगद राशि बाजार से निकाली उससे ज्यादा वापस आ गई। कारण क्या हुआ कि नकली नोट भी असली हो गए, क्योंकि छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस में नकली नोटों की जांच के कोई मशीन है क्या, इसलिए जितनी करेंसी निकली थी उससे ज्यादा आ गई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण बनेगा। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन आया, एक पत्रकार उसके अंदर छिपा हुआ कैमरा लेकर गए और एक भाजपा के दलाल से बात करी कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, पुराने नए नोट मुझे चाहिए, का हो जाएगा लेकिन 40% कमीशन मिलेगी। 40% यहां के 100 करोड़ पे ऊपर 40 करोड़ वो रखेंगे और 60 करोड़ लौटाएंगे। उसने कहा ठीक है, 5 करोड़ की शुरुआत मैं करता हूं। तो वो पत्रकार 5 करोड़ रुपए लेके गया, जो दलाल था उसके साथ गया, दलाल की गाड़ी में बैठकर कहां गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए। खाली हाथ गया और वो दलाल एक सूटकेस को लेकर वहां से आया और अपने घर पे ले गया।
और कहा कि हम तुमसे 5 करोड़ आ हमारे पास आ गए, हम 3 करोड़ के नए नोट तुमको देंगे, यानी कि 5 करोड़ में से 2 करोड़ रुपया कमीशन। और फिर एक बड़ा नेता आता है, चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन दलाल का चेहरा तो दिख रहा है, जो अपने आप को भाजपा का नेता कहता है, वो गए अंदर और ये पत्रकार भी होशियार था, दरवाजा बंद नहीं था, धीरे से चला गया और वो उसने सारे चित्र खींच लिए। 2000 की गड्डियों से पूरा कमरा भरा हुआ था, मैं आपको उसका वीडियो भेज दूंगा, देखिए। यानी कि 1-1 करोड़ पर 40 लाख और आप समझ लो कि सबसे हमारे घनश्याम भाई बैठे हुए गुजरात से ही हैं, ये इनको मालूम है सारी बात, सबसे ज्यादा नए नोट अगर कहीं गए तो अमित शाह के कोऑपरेटिव बैंक में गए। और 15 दिन में हजारों करोड़ की 30% या 40% कमीशन लेकर उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लिए। डॉक्टर यतीन ओझा, घनश्याम भाई, डॉक्टर यतीन ओझा आपके पूर्व भाजपा के विधायक, उन्होंने पत्र लिखा मोदी जी को कि अमित शाह के सारे लोग दलाली कर रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, जांच करिए, का जवाब भी नहीं दिया। लगभग 5000 करोड़ 15 दिन के अंदर नए नोट उन्होंने बांटे, उसका 30% बना समझ लीजिए, 1500 करोड़ रुपए 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने कमा लिए। और मैं आरोप लगा रहा हूं अमित शाह जी पे आरोप लगा रहा हूं कि आपने कमीशन खाई, हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करो। यही कारण है कि भाजपा दिग्विजय सिंह से नाराज रहती है। 3 बार प्रधानमंत्री जी और किसी का नाम नहीं लेते, राहुल गांधी जी का लेते हैं, प्रियंका जी का लेते हैं, सोनिया जी का लेते हैं और फिर दिग्विजय सिंह का लेते हैं। अभी अभी उन्होंने कहा कि भाई दिग्विजय सिंह को कांग्रेस भोपाल से चुनाव लड़वा रही है तो उसमें पाकिस्तान में फटाके फूट रहे उनकी शहादत उनकी तारीफ में। मोदी जी, मैं तो कभी पाकिस्तान आज तक नहीं गया, आपने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया कि नहीं बुलाया, गले लगाया कि नहीं लगाया, बिना बताए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भतीजी की शादी में आप पाकिस्तान गए कि नहीं गए, लोग कहते बिरयानी खाई, खाई कि नहीं खाई, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। इधर आजा शिव सिंह, इधर आजा, जाते जाते तेरा कविता सुनवाएंगे कि जीजी की साड़ी कहाँ गई। तो ये नरेंद्र मोदी जी और पूरी पार्टी दिग्विजय सिंह को हराने के लिए भोपाल में डेरा डालेगी, क्योंकि सबसे बड़ा कांटा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह उनके लिए है। लेकिन हम क्या डरते हैं क्या? ये सब जो बैठे हैं ये यहां की ताकत है कि नहीं है? अब ये जितने भी यहां मौजूद हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है कि राजगढ़ सीट तो जितानी है लेकिन भोपाल भी जिताना है। मेरे पास पूछने मत आना कि हम कहां जाएं, आपको खुली छूट है,
आपके नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र जो भोपाल का मतदाता है उसके घर में जाकर डेरा डालो और 12 मई के 10 दिन पहले वापस लौट आना, क्योंकि राजगढ़ भी अपने को जिताना है। अब राजगढ़ पार्लियामेंट सीट में मैंने आपसे पहले भी कहा था, सबसे खराब काम है टिकट बांटना। विधानसभा में भी टिकट बटे, दिग्विजय सिंह के पुतले जले, मुर्दाबाद हुई, अब एक बार फिर होगी मुर्दाबाद, फिर होगी और एक बार फिर पुतले जलेंगे। आप खुद तय क्यों नहीं कर देते? एक नाम तय कर दो, जितने यहां सब लोग बैठे हैं सब लोग एक नाम दे दो। आज ही हम घनश्याम भाई से कह गए अनाउंस कर दो, है कोई एक नाम? अरे मेरे अलावा आप देखो, ऐसा है पहली बार राजगढ़ में दो दो कैबिनेट मंत्री बने और छोटे साहब ने कहा है कि दो हमारे घोड़े हैं, लेकिन छोटे साहब इनकी लगाम और हंटर आपके हाथ में है। अगर ये घोड़े गड़बड़ करे तो हंटर लगाइए दोनों को, और वो हंटर मुझ पे ना लग जाकर इसका ख्याल रखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं किसी डरता हूं तो छोटे साहब से डरता हूं, और किसी से नहीं डरता, मोदी से भी नहीं डरता। तो बात यही है कि ये परिवार है अपना। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये गेहूं की खरीदी में बड़ी गड़बड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इनके अधिकारी कर्मचारी अभी भी उनकी मानसिकता गई नहीं है, और बदनाम करने की नीयत से ये हमारी खरीद के व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, मेरा ये आरोप है। मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इसकी व्यवस्था ठीक ठाक करिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से अच्छी फसल आई है, किसान खुश है। कमलनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर्जा माफ का वादा भी पूरा किया, गौशालाएं भी खुलवा रहे हैं, पेंशन 300 रुपए की 600 रुपए कर दी, शादी ब्याह के लिए भी 51,000 कर दिया, ऐसी 83 घोषणाएं कर दी, उसकी सूची नारायण सिंह जी सबको बंटवाइए, बिजली के बिल आधे कर दिए, गरीबों को बिजली सस्ती कर दी, और हर तरह से कांग्रेस एक एक वचन हमारा जो है वो पूरा कराएंगे। हमारी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदारी है। कमलनाथ जी से कम 40 साल के संबंध है, हमें एक वो ऐसा नेता मिला है जो कहता है सो करता है, और कहीं गड़बड़ी होती तो दिग्विजय सिंह तो लिहाज कर जाता, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, कमलनाथ किसी को नहीं छोड़ेगा। समझ लेना चाहिए सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कि मुख्यमंत्री आज कमलनाथ जी हैं, वो ढुलमुल शिवराज डंपर नहीं है यहां। इसलिए आप सब का गेहूं की फसल तुलेगी, पेमेंट 2000 रुपए क्विंटल से होगा, ये जवाबदारी हमारी है। कहीं गड़बड़ी होगी तो प्रभारी मंत्री जी देखेंगे, दोनों मंत्री जी देखेंगे, और छोटे साहब के पास तो चाबुक है, कभी घोड़ों पे लगाना और कभी इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है। आज हमारे बीच में डंडा वाले महाराज भी मौजूद हैं, आपके चरणों में नमन महाराज, जय हो आपकी पचोटे। डंडा वाले महाराज की जय। और हमारी साध्वी जैन भी हमारे पास है, साथ में खट बैठी हुई है, जिनका तेजस्वी भाषण आपने सुना। लेकिन बहन मेरी आपसे ये प्रार्थना है
कि राम जी के नारे में सीता को जी को क्यों छोड़ देती है। ये जय श्री राम सीता जी को क्यों छोड़ देते हैं ये भाजपा के लोग और संघ के लोग। अरे नारा लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, जय सियाराम, श्री राम नहीं, सीता जी को मत छोड़ो, राम जी जो है अधूरे हैं बिना सीता जी के, मां सीता जी के। जब भी नारा वो जय श्री राम के लगाए तो आप कहो नहीं, जय सियाराम हमारा नारा है। इसलिए साथियों आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, हम लोग आपके निकट हैं, आपकी हर दिक्कत परेशानियों को दूर करेंगे। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं पहली बार 1984 के अंदर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। आप में से कई तो पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन हमारी वो टीम पुरानी जो है, गुलाब सिंह जी सुस्तानी हमारे पास विराजमान है, ये हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, भूतपूर्व विधायक भी रहे, जिला परिषद के रहे, सहकारी बैंक में रहे, ऐसे लोग हमारे नारायण सिंह जी हैं, ये सब लोग हमारे शिव नारायण मीणा जी हैं। लोग कहते जरूर कि बूढ़े हो गए, लेकिन हम बूढ़े नहीं हुए, अभी भी जवान हैं। इसलिए आप सब निश्चिंत रहिए, नौजवानों को हमने आगे कर दिया, लेकिन लगाव और हंटर छोटे साहब के हाथ में है, समझ लेना। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पुरुषोत्तम जोशी जी कहां है, जोशी जी आगे, मोइन भाई आगे आइए, जोशी जी कहां है हमारे लीडर। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।